संजय लीला भंसाली की ड्रीम प्रोजेक्ट हीरा मंडी ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी, लेकिन उससे पहले सीरीज का फर्स्ट लुक यानी उसका ट्रेलर रिलीज हो गया है, जो काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। इस सीरीज में मुख्य किरदारों के रूप में मनीषा कोइराला, अदिति राव हैदरी, शर्मीन सहगल, ऋचा चड्ढा और सोनाक्षी सिन्हा की झलक दिखती है। सभी गोल्डन आउटफिट पहने रॉयल लुक में नजर आ रही हैं। तो वहीं दूसरे ट्रेलर में काले लिबास में बड़े शानदार अंदाज में बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ एक एक करके सभी एक्ट्रेस के खूबसूरत लुक्स दिखाए गए हैं। हालांकि फिल्म मेकर संजय लीला भंसाली को लोग उनकी पीरियडिक फिल्मों या फिर ऐतिहासिक कहानियों पर बने बड़े बड़े सेट की फिल्मों के लिए जाना जाता है, लेकिन ये पहली बार होगा जब वो वेब सीरीज की दुनिया में अपना शो हीरा मंडी लेकर आ रहे हैं। इस अपकमिंग शो में सोनाक्षी सिन्हा, मनीषा कोइराला सहित कई बड़े बड़े कलाकार नजर आ रहे हैं, लेकिन शो के कई खास चेहरों के बीच एक टीवी का चेहरा ऐसा भी है जो सभी का ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है, और वो है संजीदा शेख और शर्मीन सहगल का। शर्मीन जो संजय लीला भंसाली की भांजी भी हैं, जिन्होंने साल 2019 में मलाल फिल्म से डेब्यू किया था। इसके बाद वो अतिथि भूतो भवा में भी नजर आई थी, हालांकि उनकी कोई फिल्म हिट साबित नहीं हो पाई। यही नहीं, संजय लीला भंसाली के साथ असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर भी वो उनके साथ कई फिल्मों में काम कर चुकी हैं। अब कहाँ है हीरा मंडी और क्या है इसके पीछे का इतिहास? फिल्मकार संजय लीला भंसाली की हीरा मंडी की कहानी पाकिस्तान से जुड़ी हुई है, जो कि पाकिस्तान के लाहौर में बसा एक रेड लाइट एरिया है। देश के विभाजन से पहले हीरा मंडी की तवायफें काफी मशहूर हुआ करती थीं। उस समय कोठे का प्रचलन था, तवायफों के प्रेम धोखे के साथ सियासत के किस्से भी मशहूर थे। माना जाता है कि मुगल काल में अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान की औरतें भी हीरा मंडी में आकर बस गई थीं, जो बला की खूबसूरत थीं। उस दौर में तवायफों का पेशा गीत, संगीत, नृत्य और संस्कृति से जुड़ा हुआ करता था। बड़े बड़े घरों के बच्चे यहाँ सलीका और अदब सीखने के लिए आया करते थे। हीरा मंडी 15वीं से 16वीं शताब्दी के बीच लाहौर के मुगल शासन के दौरान रईस तबके के लोगों के लिए तबायफ जिंदगी का अहम हिस्सा थी। धीरे धीरे इन इलाकों की रंगत और शानो शौकत दोनों ही बदल गए। अब ये इलाका पहले की तरह शाही नजर नहीं आता, ये भी बाकी इलाकों की तरह आम मार्केट की तरह ही दिखता है, लेकिन शाम ढलते ही रेड लाइट एरिया में तब्दील हो जाता है। मुगल काल में जहां इन तबायफों को राजाओं का संरक्षण मिलता था, तो बाद में अंग्रेजों का शासन आने के बाद इस इलाके की शाही रौनक समाप्त हो गई और ये इलाका रेड लाइट एरिया के तौर पर तब्दील हो गया। रेखा नजर आ सकती है भंसाली की वेब सीरीज में। सोर्सेज के माने तो भंसाली चाहते थे कि रेखा हीरा मंडी में लीड रोल निभाएं, लेकिन उन्होंने इस प्रोजेक्ट में बतौर लीड हीरोइन बनने से मना कर दिया। भंसाली ने फिर भी उम्मीद नहीं छोड़ी और अब वो रेखा को चाहते हैं कि वेब सीरीज के लिए डांस नंबर जरूर करें, और इसके लिए वो लगातार उन्हें अप्रोच भी कर रहे हैं। संजय लीला भंसाली अपनी वेब सीरीज हीरा मंडी को लेकर काफी सुर्खियों में हैं। इस ग्रैंड प्रोजेक्ट को संजय लीला भंसाली के दोस्त मोइन बेग 14 साल पहले उनके पास लेकर आए थे, और जब इसे नेटफ्लिक्स के सामने पेश किया गया तो नेटफ्लिक्स ने हीरा मंडी को अपनी वैश्विक कार्यक्रम सूची में स्पॉटलाइट शो घोषित कर दिया। ये संजय लीला की महत्वाकांक्षी वेब सीरीज है, जो आजादी से पहले तवायफों की कहानी पर आधारित है और उस समय के संगीत, शायरी, नृत्य को जिंदा रखते हुए कोठों के भीतर चलने वाली राजनीति और वर्चस्व की कहानी कहती है कि किस तरह से तबायफों का दखल राजनीति में होता था और उस समय की तबायफों का रसूख कैसा था।